रुके रुके भाई साहब, वीडियो बंद मत कीजिए। बाराबंकी जनपद में कांग्रेस नेता तनुज पुनिया द्वारा प्रेसवार्ता की गई, और प्रेसवार्ता के संबंध में जरा सुनते जाइएगा, क्योंकि बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसे मामले की जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और अपना माथा पकड़ कर बैठ जाएंगे, विचार विमर्श करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों कर रहे हो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर माजरा क्या है। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई की चार्जशीट आई है, उसमें जो हाथरस में जो बलात्कार का हादसा हुआ था एक दलित बेटी के साथ, हाथरस की बेटी के साथ, उसमें उन्होंने सामूहिक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की है। ये एक तरह से एक बहुत बड़ी जीत है संविधान की, कानून की और इस देश की, और विशेष रूप से पूरे समाज की, जहाँ पे पूरे भाजपा का कैडर लग गया था ये बताने के लिए कि चरित्र खराब है लड़की का, चरित्र खराब था लड़की का, कोई और मामला के रेप नहीं है, ये सब बताने में जुटे हुए थे भाजपा वाले। आरोपी जो गिरफ्तार थे उनसे मिलने की कोशिश करी गई थी उनके सांसदों विधायकों द्वारा, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के कदम उठाते ही जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की उसमें रेप की पुष्टि हुई है, एससी एसटी एक्ट भी लगा है, सामूहिक बलात्कार का दफा भी लगी है, तो ये पूरे एक संविधान की जीत है हमारी, बाबा साहब की जीत है, समाज की जीत है और देश की जीत है। और इसको जो दबाव बना था इस केस को रफा दफा करने के लिए पूरा प्रशासन लग गया था, डीएम एसपी वहां के साथ पूरा प्रशासन जो था वो ये करने में लग गया था कि ये रेप नहीं है और लड़की का ही चरित्र खराब है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी ने इसको दबने नहीं दिया, लगातार जाने की कोशिश की, प्रशासन ने पूरा दबाव लगा दिया उनको रोकने के लिए, उनके साथ हाथापाई भी की गई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और परिवार से मिल करके आई प्रियंका जी और राहुल जी, और उसी दबाव के चलते उच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को कदम उठाना पड़ा, संज्ञान में लेना पड़ा, और आज जाकर के दलित की बेटी को एक न्याय के लिए कम से कम एक रास्ता मिला है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उच्च न्यायालय को और सीबीआई को भी, जिसने अभी अपनी चार्जशीट में रेप की पुष्टि की, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि एक तरह से ये संविधान की जीत हुई, तो कल कांग्रेस पार्टी मध्य जोन में उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 जिलों में एक यात्रा निकालेगी जिसका नाम संकल्प स्वाभिमान यात्रा रखा गया है। इस यात्रा में वो बस वाल्मीकि बस्ती के पास जहाँ भी वाल्मीकि जी का मंदिर होगा वहाँ पे माल्यार्पण करके उस यात्रा को समाप्ति करेगी और लोगों को बताएगी कि किस तरह से संविधान की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है और माननीय प्रियंका गांधी जी की जीत हुई है। तनु जी, अभी हाथरस की बात आप कर रहे हैं, बाराबंकी में दो कहानी की तरह हो गई है जी, जो अभी एक काम जो सत्री है जी, तो जो हादसा है उसको पूरा संज्ञान में लिया गया है और उनके लिए एक डेलीगेशन भी आया था, परिवार से मिला था, उस समय गिरफ्तारियां हुई थी, अब परिवार से मिलने की बात जारी है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए भी एक धरना और आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। तो तनुज पुनिया की बातें सुनकर के पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझे या नहीं समझे कमेंट करके बताइएगा। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश दास के साथ सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिवम सिंह से हर जोड़ी खबर आपको मिलेगी सिर्फ एबीएन न्यूज 24 पर।